हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में आप लोगों को कंप्यूटर में कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में बताने वाला हूं, जिसका यूज करते हुए आप बड़े आसानी से किसी भी कार्य को कर सकते हैं। और आप लोगों ने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबाना मत भूलिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आज यहाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले कंट्रोल के साथ अगर आप अपने कीबोर्ड में एक को प्रेस करते हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ एक को प्रेस करना है, एक साथ, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके पास जो भी आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हो, मान लो एमएस वर्ड में काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास जो भी टेक्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल ए का यूज कहां पर किया जाता है, कोई भी टेक्स्ट को, पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। सेकेंड है गाइस कंट्रोल बी, इसका यूज कहां पर किया जाता है, अगर आप एमएस वर्ड पर काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपने कोई वर्ड को या कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया और आप कंट्रोल के साथ बी दबाएंगे तो आपका जो वर्ड है या जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगी, बोल्ड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल सी, अगर आप कंट्रोल के साथ सी प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो टेक्स्ट है या वो जो सेंटेंस है वो कॉपी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों कंट्रोल डी, इसमें क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल डी का यूज करके या हम एक साथ कंट्रोल के साथ डी दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास जो कंप्यूटर में फॉन्ट है, ठीक है, उसको आप चेंज कर सकते हैं, आप उस कंप्यूटर में जो फॉन्ट है उसको आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल प्लस ई, इसका क्या यूज होता है, अगर आप कंट्रोल के साथ ई को प्रेस करेंगे एक साथ तब क्या हो जाएगा, आपने जो भी टेक्स्ट को या जो भी सेंटेंस को आपने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, उस टेक्स्ट को या सेंटेंस को आप सेंटर पर ला सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको उस फॉन्ट को या उस टेक्स्ट को या उस सेंटेंस को आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद डायरेक्ट आपको क्या करना है, कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ ई बटन को प्रेस कर लेना है तो जो टेक्स्ट है या जो सेंटेंस है वो सेंटर में आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं कंट्रोल प्लस एफ, यहां पर अगर आप कंट्रोल के साथ एफ बटन प्रेस करेंगे, अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ एफ बटन प्रेस करेंगे तब क्या डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, फाइंड कट जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगी, वहां से आप कोई भी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस जी, अब कंट्रोल प्लस जी का यूज कहां पर किया जाता है गाइज, अगर आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ जी को प्रेस करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, गो टू पेज आर लाइन, तो आप डायरेक्ट, ठीक है, उस पेज में चले जा सकते हैं या आप उस लाइन पर चले जा सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ जी दबाना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ जी को प्रेस करना पड़ेगा, इससे आप डायरेक्ट किसी भी पेज या किसी भी लाइन में बड़े आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस आई, गाइज आप लोगों ने अगर अपने किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, या किसी सेंटेंस को आपने सेलेक्ट कर लिया है, तो आपको अगर आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस आई को एक साथ प्रेस करेंगे तो आपने जो टेक्स्ट या जो सेंटेंस है उसको सेलेक्ट किया है वो क्या हो जाएगी, इटैलिक हो जाएगी। इटैलिक का मतलब होता है तिरछा हो जाएगी, वो आपको आढ़ा या तिरछा नजर दिखने लगेगी, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल प्लस जे, इसका क्या यूज होता है, अगर आपने कोई टेक्स्ट टाइप कर लिया है, मान लो एमएस वर्ड में आप कोई काम कर रहे हैं और वहां पर आपने कोई टेक्स्ट टाइप कर लिया है, तो आप लोगों ने देखा होगा उसके जो राइट अलाइनमेंट है या राइट साइड है और जो लेफ्ट साइड है उसमें जो सेंटेंस होता है वो आगे पीछे रहता है। तो गाइस, इस कंडीशन में अगर आपने उस टेक्स्ट या सेंटेंस को सिलेक्ट कर लिया है और आप एक साथ कंट्रोल प्लस जे दबाएंगे तो वो जो लाइन है वो एक सीधे लाइन में आ जाएगी, ठीक है। उसका जो लेफ्ट अलाइनमेंट होगा या राइट में जो राइट साइड होगा उसका जो लाइन है एंडिंग का वो एक सीधी लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो इसका यूज जस्टिफाई करने के लिए किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट जानते हैं गाइस, यहां पर मैंने कंट्रोल प्लस के किया है, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो जो कंट्रोल के साथ अगर आप अपने कीबोर्ड में के प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपरलिंक ऑन पेज, आपका जो पेज है वो हाइपरलिंक हो जाएगी, ठीक है।
तो कंट्रोल प्लस के का यूज हाइपरलिंक करने के लिए किया जाता है किसी भी पेज को, ठीक। उसके बाद है गाइस कंट्रोल प्लस एल, इसका क्या मतलब होता है, अगर आप कंट्रोल प्लस एल को एक साथ प्रेस करेंगे तब क्या हो जाएगा, वो लाइन लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगी, ठीक है। आपने देखा होगा आपके जो कंप्यूटर में राइट अलाइनमेंट होता है और लेफ्ट अलाइनमेंट होता है तो उसमें अगर आप कंट्रोल प्लस एल करेंगे तो उसका जो अलाइनमेंट है, ठीक है, जो लेफ्ट का अलाइनमेंट है वो एक सीधी अलाइनमेंट हो जाएगी, मतलब एक सीधी लाइन बन जाएगी, ठीक। ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए गाइस आप जानते हैं कंट्रोल प्लस एम, इसका यूज़ मूव करने के लिए किया जाता है, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट है या कोई भी सेंटेंस है उसको मूव करना है तो आप सीधा कंट्रोल प्लस एम को प्रेस कर लीजिए उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके या उस सेंटेंस को सिलेक्ट करके, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी। तो कंट्रोल प्लस एम का मेन वर्क क्या है, किसी भी टेक्स्ट या सेंटेंस को मूव करना है, ठीक। चलिए गाइस नेक्स्ट जानते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल के साथ अगर आप एन को प्रेस कर लेते हैं तो क्या हो जाएगी, न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब एमएस वर्ड पर वर्क करते हैं तो उस टाइम अगर हमको कोई नया फाइल चाहिए रहता है तो क्या करना पड़ता है, हमको शॉर्टकट की के रूप में कंट्रोल के साथ एन को प्रेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से आप उस नए फाइल को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब है गाइस कंट्रोल प्लस ओ, इसका क्या मतलब होता है, गाइस अगर आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ ओ को प्रेस करोगे तब क्या हो जाएगा, आपका जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है, आपकी जो फाइल है वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस ओ का यूज़ किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है गाइस कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल के साथ अगर आप पी दबाएंगे तो क्या हो जाएगी, प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है, जहाँ से आप प्रिंट के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका लेफ्ट अलाइनमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप उसमें कितना कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप सेट करके आप उसे प्रिंट भी दे सकते हैं। तो इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस पी, ठीक है। चलिए गाइस नेक्स्ट शॉर्टकट की इसके बारे में जानते हैं, यहाँ पर कंट्रोल प्लस क्यू दिख रहा है, इससे क्या होगा, अगर आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ क्यू को प्रेस करेंगे एक साथ तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो एमएस वर्ड आपने ओपन किया है वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो इसका यूज़ क्लोज करने के लिए किया जाता है, किसी भी फाइल को क्लोज करना है तो आपको सीधा क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ क्यू को दबाना पड़ेगा, इससे आपकी जो फाइल है, जो फाइल ओपन हो चुकी है उसको आप डायरेक्ट ही क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए गाइस नेक्स्ट जानते हैं कंट्रोल प्लस आर के बारे में, कंट्रोल प्लस आर का मेन वर्क क्या होता है, इसका मेन वर्क होता है राइट अलाइनमेंट। अगर आप अपने एमएस वर्ड को आपने ओपन कर लिया है, ठीक है, और आप कंट्रोल प्लस आर को एक साथ प्रेस करेंगे तो इससे क्या हो जाएगी, राइट अलाइनमेंट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हमने यहाँ पर कंट्रोल प्लस एल करके लेफ्ट अलाइनमेंट के बारे में जाना था, ठीक है, और राइट अलाइनमेंट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ आर को प्रेस कर लेना पड़ेगा, ठीक। चलिए गाइस अब जानते हैं कंट्रोल प्लस एस का कहाँ पर यूज होता है, कंट्रोल प्लस एस अगर हम प्रेस करते हैं शॉर्टकट की के रूप में तब क्या होगा कि आपकी जो फाइल है या जो भी आपको जिस भी चीज़ को सेव करना है तो उससे क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, आप डायरेक्ट ही कंट्रोल प्लस एस करके सेव कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी फाइल या फोल्डर को सेव करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ एस को प्रेस करना है, इससे क्या हो जाएगी, आपकी जो फाइल है वो क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। तो इसका यूज़ सेव करने के लिए किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस यू का यूज़ क्यों किया जाता है, अंडरलाइन के लिए। यहाँ पर यू का मतलब होता है अंडरलाइन। अगर आप लोगों ने एमएस वर्ड में काम कर रहे हो आप लोग, तो आपने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, कोई टेक्स्ट या फिर कोई सेंटेंस आपने सेलेक्ट कर लिया है तो आपको अंडरलाइन करना है, तो आप सीधा कर लीजिए कंट्रोल प्लस यू, तो उस टेक्स्ट या सेंटेंस को जिसको आपने सेलेक्ट कर लिया है उसके नीचे आपको अंडरलाइन आ जाएगी। आप लोगों को पता ही होगा अंडरलाइन क्या होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी क्या करता है, यहाँ पर हमने कंट्रोल प्लस सी करके कॉपी किया है उस टेक्स्ट या सेंटेंस को, यहाँ पर हम कंट्रोल प्लस वी करेंगे तो क्या हो जाएगा, उस सेंटेंस
या टेक्स्ट को हम पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ सी प्रेस करना पड़ेगा, और पेस्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ वी प्रेस करना पड़ेगा, तो जो टेक्स्ट है या जो सेंटेंस है वो क्या हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए गाइस नेक्स्ट शॉर्टकट की इसके बारे में जानते हैं। अब है कंट्रोल प्लस एक्स, इसका क्या मतलब होता है, आपने जिस भी टेक्स्ट को या जिस भी सेंटेंस को सिलेक्ट कर लिया है, अगर आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ एक्स प्रेस कर लेते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, आपके द्वारा जो सिलेक्ट की गई टेक्स्ट है या सेंटेंस है वो क्या हो जाएगी, कट जाएगी, और आप उसे दूसरे जगह पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने उस टेक्स्ट या सेंटेंस को सिलेक्ट कर लिया है तो आप कंट्रोल प्लस एक्स दबाएंगे तो क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी, और आप उसको दूसरे जगह कंट्रोल प्लस वी कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक ही पेस्ट हो जाएगी। तो कंट्रोल एक्स का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी सेंटेंस को कट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। चलिए गाइज अब बात कर लेते हैं कंट्रोल प्लस वाई, इसका क्या मतलब होता है। गाइज अगर आपने गलती से कोई किसी चीज़ को डिलीट कर लिया है तो आप सीधा क्या कर लीजिएगा, कंट्रोल के साथ वाई दबा दीजिएगा, इससे क्या हो जाएगा, रेडो हो जाएगा, वो जो आपने डिलीट किया है वो वापस आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप कंट्रोल के साथ जेड दबाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, अंडू हो जाएगी। आपने जो भी टेक्स्ट को या जो भी सेंटेंस को आपने गलती से भी डिलीट कर दिया है या फिर वहाँ से हट गया है, जैसे हमने वहाँ से कंट्रोल प्लस एक्स कर दिया है, कट कर दिया है, तो हम तो अगर उसी अवस्था में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, सीधा कंट्रोल प्लस जेड दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, पुनः उसी अवस्था में आ जाएगी, उसी रूप में आ जाएगी। तो गाइस एक कुछ शॉर्टकट कीज़ है जिसका यूज़ करते हुए हम कंप्यूटर पर बड़े आसानी से कोई भी कार्य को कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट कीज के बारे में आप लोगों को डिटेल से बताया। गाइज उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, इसके नीचे एक कमेंट का सेक्शन आता है, उस पर जाकर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके जो भी प्रॉब्लम है उस कमेंट के माध्यम से आप लोगों को जरूर सॉल्व कर दूंगा। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।